साल 2002 में जब उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी तो वह हरक सिंह रावत के चलते विवादों के घेरे में आ गई। तब दिल्ली से लेकर देहरादून तक जेनी सेक्स प्रकरण ने तो पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया था। तिवारी सरकार के गठन होने के एक साल बाद ही सरकार में राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर असम की एक महिला इंदिरा देवराव उर्फ जेनी ने आरोप लगाया था कि हरक सिंह रावत ने उन्हें देहरादून स्थित अपने घर में काम दिलाने के बहाने रखा और उसके साथ रेप किया, जिससे वह उनके बच्चे की माँ बनी। इसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान आ गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर तिवारी सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी। मजबूरन हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में सीबीआई जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दे दी गई। इस सेक्स स्कैंडल का असर यह हुआ कि वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। हालांकि यह अलग बात है कि डीएनए टेस्ट में पाक साफ निकले हरक सिंह रावत इसे सिंपैथी में कन्वर्ट कर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। नारायण दत्त तिवारी सरकार के कार्यालय के दौरान ही पटवारी भर्ती घूसकांड चर्चाओं में रहा। इसमें भी हरक सिंह रावत का नाम खूब उछला था। पौड़ी के पटवारी भर्ती घोटाले में राजस्व मंत्री रहने के दौरान हरक सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की सरकार पूरी तरह इस घूसकांड के लपेटे में आ गई थी। कॉपियां घर बैठकर जांची गई थी। मनमाने तरीके से नंबर देने का भी मामला सामने आया था। इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई थी जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन तक नहीं किया था। घपले का खुलासा होने के बाद पूरी प्रवेश परीक्षा को निरस्त किया गया था। इस घपले के चलते करीब डेढ़ दशक तक उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा दोबारा नहीं हुई। बताया जाता है कि उस समय हरक को लगा कि यह इस मामले में घिर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से यह कहकर गेंद मुख्यमंत्री तिवारी के पाले में डाल दी थी कि जो भी हुआ वह पंडित जी की यानी एनडी तिवारी की जानकारी में हुआ। फाइल पर उनके भी दस्तखत हुए हैं। बताते हैं कि तब पंडित जी एकदम दबाव में आ गए थे। अपने शातिराना अंदाज की बदौलत इस मामले से हरक अपने आप को बचा ले गए, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों पर इसकी गाजगिरी थी। पौड़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी एस के लांबा, मुख्य विकास अधिकारी कुंवर राजकुमार सिंह और उप जिलाधिकारी विनोद चंद्र सिंह रावत ने इस प्रकरण का खामियाजा भुगता और तीनों को सस्पेंड किया गया। बताया जाता है कि इस कांड में नाम आने के बाद पीसीएस राजकुमार सिंह के लिए तो आईएएस में चयन होना भी मुश्किल हो गया था। बामुश्किल वह आईएएस बन पाए थे। विनोद चंद्र रावत कभी आईएएस नहीं बन सके, ना ही उन्हें कभी पोस्टिंग ही ढंग से मिली। जिलाधिकारी रहे एसके लांबा भी फिर आगे प्रमोशन नहीं ले पाए। इस प्रकरण में कुल मिलाकर 78 पटवारी बर्खास्त कर दिए गए थे। सरकार की लीपापोती कहे या हरक सिंह रावत की राजनीतिक जादूगरी, उनकी भूमिका पटवारी भर्ती में थी या नहीं यह आज तक साफ नहीं हुआ। हरीश रावत सरकार में हरक सिंह द्वारा द्वारहाट के तत्कालीन विधायक मदन बिष्ट की एक स्टिंग को लेकर विवादों में रहे। इस स्टिंग में हरक सिंह रावत ने कई मामलों पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। आसपास में हो रही दोनों की बातों से ऐसा भी सुनने को मिला था जिससे लोकतंत्र भी शर्मसार हो उठा। तब अवैध खनन को लेकर भी हरक सिंह रावत ने खुलासा करते हुए कहा था कि इस खेल में करोड़ों रुपए सरकार की जेबों में जाते हैं। इसके साथ ही हरक सिंह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाया था कि वह विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2007 में जब भाजपा की सरकार बनी और हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष बने तो उन पर देहरादून स्थित विकास नगर में करीब 100 बीघा भूमि गलत तरीके से हथियाने का आरोप लगा था। इसके बाद 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो हरक को कृषि मंत्री बनाया गया। कृषि मंत्री बनने के बाद वह अपनी मनमानी करने पर चर्चा में आए। तब शिक्षा विभाग की इजाजत के बगैर एक बीओ दमयंती रावत और एक रिश्तेदार प्रधानाचार्य यशवंत सिंह रावत को मंत्री द्वारा कृषि विभाग में लाया गया। हरक सिंह रावत ने अपनी करीबी दमयंती को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर इस बोर्ड में सचिव का पद दे दिया। इस पर जमकर विवाद हुआ। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और हरक सिंह रावत के बीच महीनों तक शीत युद्ध चलता रहा। प्रतिनियुक्ति के लिए एनसीओ दिए बिना ही श्रम विभाग में दमयंती को भेजने के मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया था। इस मामले को लेकर भाजपा की आपसी राजनीति का दूसरा ही रूप देखने को मिला। इतने विवाद के बाद भी हरक सिंह रावत ने दमयंती को इस पद पर बनाए रखा। यही नहीं बल्कि कृषि मंत्री होने के बावजूद भी वह तराई बीज विकास निगम के साथ ही पूर्व सैनिक कल्याण निगम आदि में लाभ के दोहरे पद लेने के मामले में विवादित रहे। तब भाजपा ने इनकी खूब घेराबंदी की। मजबूरन हरक सिंह रावत को तराई बीज विकास निगम से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें हरक सिंह रावत को राहत मिली। यही नहीं
हरक सिंह रावत के तत्कालीन पीआरओ रहे युद्धवीर हत्याकांड में भी उनका नाम चर्चाओं में रहा। इस हत्याकांड में हरक सिंह का नाम उछलने पर सरकार को विपक्ष पर हमला झेलना पड़ा था। साल 2014 में उत्तराखंड में उस समय राजनीतिक हलचल मच गई जब दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में मेरठ की एक युवती ने अपने साथ हुए यौन शोषण का मामला दर्ज कराया। इस युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपी का नाम एचएस रावत लिखवाया। इसके बाद चर्चा होने लगी कि वह आरोपी एचएस रावत यानी हरक सिंह रावत है। हालांकि यह सेक्स स्कैंडल चर्चित तो नहीं हुआ, लेकिन इसे जल्दी ही मैनेज कर लिया गया। बताया गया कि पीड़िता को इस एवज में सफदरजंग इलाके में 1.5 करोड़ का फ्लैट दिया गया। इसके बाद मामला रहस्यमय परिस्थितियों में दफन हो गया। महिला मामलों में हरक सिंह रावत अधिकतर विवादों के केंद्र में रहे। उत्तराखंड के राजनेता अक्सर हरक सिंह के नाम पर चुटकुले लेते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा के एक नेता ने वर्तमान समय सरकार में मंत्री है ना कहा था कि जब हरक सिंह रावत आता है तो जवान बेटियों के घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हरक सिंह रावत के प्रेम प्रसंग लोगों की जुबान पर होते हैं। देहरादून में रहने वाली एक पंजाब की सिंगर की सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली पोस्ट अक्सर चर्चाओं में रहती है, जिसमें वह महिला खुद को हरक सिंह रावत की पत्नी और अपने बच्चे को उनका पिता बताने के दावे से जुड़ी पोस्ट डालती रहती है। बताया जाता है कि यह सिंगर देहरादून के सहस्त्रधारा में एक लग्जरी फ्लैट में रह रही है। बताया भी जाता है कि जब हरक सिंह रावत प्रदेश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इस महिला गायिका के भाई को देहरादून मंडी समिति का चेयरमैन भी बना दिया था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि जब हरक सिंह रावत के पुत्र तूषित रावत की शादी थी तो महिला गायिका ने शादी की पार्टी का फोटो अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मैं अपने भाई की शादी में। इसके बाद मामला काफी चर्चाओं में आ गया था। बताया जाता है कि इस मामले में हरक सिंह रावत के बेटे तूषित रावत को सामने आना पड़ा था। बताया तो यह भी जाता है कि तब तूषित रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी कोई बहन नहीं है। अभी भी वह महिला गायिका अपनी बेटी के नाम के आगे रावत टाइटल लिखती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरक सिंह रावत की अक्सर अनबनी रही। त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल में हरक सिंह ने कई निर्णय पर उंगली उठाई, कभी गैर सेंट कमिश्नरी पर तो कभी वन विभाग में फाइलें अटकने को लेकर। हरक सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से भिड़ते नजर आए। हालांकि हरक सिंह रावत ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में अपनी मनमानी में कोई कसर बाकी नहीं की। सरकार बनने के बाद साल 2017 में सन्निकान कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाल लिया। हरक के इस तरह यह पद संभालने पर सवाल खड़े हो गए थे। कारण यह है कि इस पद पर सचिव श्रम की दायित्व संभालते रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में हरक सिंह रावत को श्रम मंत्रालय मिलने के बाद भी इस महत्वपूर्ण पद को उन्होंने ही संभाल लिया था, जिसे नियमों के उल्लंघन के रूप में भी देखा गया। हरक सिंह रावत के कार्यकाल में सन्निकान कर्मकार कल्याण बोर्ड में करोड़ों का घोटाला भी हुआ। यहां तक कि हरक सिंह पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू के एनजीओ का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस बोर्ड के करोड़ों रुपए के काम उनके एनजीओ को सौंप दिए थे, जिनमें नियम विपरीत काम हुए। यह मामला हाईकोर्ट भी गया, जहां यह अभी विचाराधीन है। यही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए लोगों ने श्रमिकों को साइकिलें बांटी। इन साइकिलों पर बोर्ड का एक नाम लिखा था। यह उस दौरान की बात है जब हरक सिंह रावत के बारे में कयास लगाए जाने लगे थे कि वह जल्द ही आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तब इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। इस दौरान सवाल उठे थे कि आम आदमी पार्टी कैसे कर्मकार बोर्ड की साइकिलों को अपने फायदे के लिए बांट सकती है। मामला इतना बढ़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर जांच के आदेश भी दिए थे। कहा यह भी गया कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाने की रूपरेखा तैयार कर ली थी। इसके बाद इस पद से हरक सिंह रावत को हटाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गत वर्ष अक्टूबर में अपने करीबी शमशेर सिंह सत्याल को सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि हरक सिंह रावत सत्याल को हटाने पर अड़े रहे। इस मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत में लंबे समय तक तकरार चलती रही। यहां तक कि मामला अदालत में पहुंचा। इसके बाद इस साल शमशेर सिंह सत्याल को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। बता दें कि यहां भी हरक सिंह रावत की प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति ही काम आई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।